भारत में सबसे पहले बांग्लादेश के दूतावास की जो सुरक्षा है उसे सुनिश्चित किया गया था, लेकिन न्यूयॉर्क में शायद ऐसी कोई भी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से ये तस्वीरें सामने आई। और इसी के साथ आपको बता दें कि जो पुलिस की जो पूरा संघ है बांग्लादेश का, उसने भी हड़ताल करने का यहाँ पर ऐलान कर दिया है। यानी कि स्थिति संभालने की बजाय प्रमुख जो पुलिस संघ है वो कह रहा है कि वो हड़ताल पर जा रहा है। प्रमुख पुलिस संघ ने हड़ताल की घोषणा कर दी है और ऐसे में अब स्थिति और कितनी बिगड़ने वाली है ये आप और हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश पुलिस संघ ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। हालांकि सेना ये कह रही है कि हम बातचीत करेंगे, राष्ट्रपति के साथ उन्होंने बात की है, अंतरिम सरकार का गठन हो जाएगा 48 घंटे के भीतर, लेकिन कुछ भी स्थिति यहाँ पर सुधारते हुए नजर नहीं आ रही है। माना यह जा रहा था कि शेख हसीना इस्तीफा दे देंगी, शेख हसीना देश छोड़कर के चली जाएंगी, उसके बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन कट्टरपंथी ग्रुप जिन्होंने यहाँ बांग्लादेश में इस तरीके से अस्थिरता करने की कोशिश की वो अपने मंसूबों में कामयाब हो गए हैं, अपने मंसूबों में कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं, हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। तो दूसरी तरफ अब पुलिस संघ ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया है, उनकी तरफ से हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए कि आखिरकार किस तरीके से हर एक शहर, हर एक सड़क पर सिर्फ और सिर्फ उपद्रवियों का डेरा है और वो हर दुकान, हर मकान, हर घर को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, मंदिरों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आगजनी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इन्हें संभालने वाला, इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। माना यह जा रहा था कि सेना के द्वारा तख्तापलट जैसे 1975 में किया गया था, वैसे ही अगर 2024 में किया गया है तो स्थिति संभालेगी, लेकिन सेना की तरफ से संभाली नहीं गई है। और एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बांग्लादेश में जो हिंदू बाजार है उस पर कैसे अटैक हुआ है, कैसे तोड़फोड़ की गई है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। यानी आप समझिए कि अलग अलग इलाकों में जहां हिंदू बाजार हैं, हिंदुओं के या उनकी दुकानें हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है, लगातार यहां पर तोड़फोड़ की जा रही है। तो बांग्लादेश के हिंदू बाजारों में तोड़फोड़ की ये तस्वीरें सामने आ रही है और हर जगह से बस इसी तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेशी जो मीडिया है उनके हवाले से ये जानकारी मिली कि 27 जिले ऐसे हैं जहां पर हिंदुओं के मंदिरों को, मकानों को, दुकानों को, बाजारों को तोड़ा जा रहा है और इसकी बांगी, इसकी तस्वीरें कई सामने आई हैं, जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से एक पूरी भीड़ आगे बढ़ती है हिंदुओं की बस्ती में, हिंदुओं की बस्ती को आग के हवाले करने के लिए। अब बांग्लादेश के हिंदू बाजार में तोड़फोड़ की जो तस्वीरें वो भी सामने आ गई है। घटना लूटपाट की जाती है सबसे पहले और उसके बाद बाजारों को तहस नहस कर दिया जाता है ताकि कोई भी यहाँ पर फिर से बसावट ना कर पाए। भागने पर साफ तौर पर बांग्लादेश से भागने पर हिंदुओं को अब मजबूर किया जा रहा है। अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बांग्लादेश से वो ये सवाल खड़े कर रही हैं कि क्या बांग्लादेश की सेना ने देश की प्रधानमंत्री को धोखा दिया है, क्योंकि सेना चाहती तो इस प्रदर्शन को रोक लेती, ये जो अराजकता फैल रही थी इसको संभाल लेती और प्रधानमंत्री को भी सुरक्षित रखती वहीं बांग्लादेश में। लेकिन अल्टीमेटम सेना की तरफ से ही दिया गया और उसके बाद शेख हसीना इस्तीफा दे देती हैं, देश छोड़ देती हैं। तो क्या सेना ने साथ नहीं दिया शेख हसीना का, इस रिपोर्ट से समझिए। पहले श्रीलंका में तख्ता पलट, सेना ने सरकार बनाई, फिर पाकिस्तान में तख्ता पलट, सेना की मदद से सरकार बनी, और अब कुछ ऐसी तस्वीरें बांग्लादेश में देखने को मिल रही है जहां से शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत आना पड़ा और वहां सेना ने देश की कमान अपने हाथों में ले ली है। बांग्लादेश में ठीक वैसे ही हालात नजर आ रहे हैं जैसे कुछ वक्त पहले पाकिस्तान में देखे गए थे। एक तरफ तो लोगों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह किया, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, तो दूसरी तरफ सेना ने शेख हसीना का साथ नहीं दिया, विद्रोही आगे बढ़ते रहे और सेना शांत रही और फिर बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया गया। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश की सेना ने शेख हसीना को धोखा दिया। दरअसल बांग्लादेश के पिछले 53 सालों के इतिहास में सेना ने यहां 17 साल शासन किया है। देश में 29 बार तख्ता पलट की कोशिश हुई जिसमें से 6 बार सेना सफल रही। इसके बाद
बांग्लादेशी सेना की आदत ठीक वैसे ही है जैसे पाकिस्तान में कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी सरकार हो, बिना सेना के शासन नहीं कर सकती। वैसे ही बांग्लादेश में सेना को जब भी ऐसा लगता है कि कोई नेता बार बार चुनाव जीत रहा है, लोगों के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, सेना को नजरअंदाज कर रहा है, तो सेना ने सही समय पर तख्ता पलट कर दिया और शेख हसीना को इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेशी सेना की मंशा का अंदाजा इस बात से भी लगा लीजिए कि लोग सड़क पर उतरकर तांडव करते रहे। लगातार कई दिनों से प्रदर्शन चलता रहा लेकिन सेना ने स्थिति संभालने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, सेना की मदद से ही विद्रोह को हवा मिली। सेना इस विद्रोह को भड़काती रही। सेना चाहती तो प्रदर्शनकारियों को रोक सकती थी लेकिन सेना ने ऐसा नहीं किया, जिससे समझा जा सकता है कि सेना खुद ही इस तख्ता पलट के पूरे खेल में शामिल थी। सेना के इस तख्ता पलट के पीछे कई और वजह बताई जा रही हैं। जानकारों के मुताबिक अमेरिका बांग्लादेश में सैन्य अड्डा बनाना चाहता था लेकिन हसीना लगातार ऐसा करने से रोक रही थी। दूसरी तरफ चीन से मिलने वाली सैन्य मदद से भी सेना नाराज थी, जिसे शेख हसीना लगातार नजरअंदाज कर रही थी, जिसके बाद सेना ने अपनी ही सरकार के खिलाफ तख्ता पलट का पूरा खेल रच दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश में जो अराजकता फैली हुई है, भारत की नजर है, अलर्ट पर बीएसएफ के जवान हैं, लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि 15 घंटे के भीतर ढाका में जिस तरीके से पीएम आवास से लेकर के संसद की मर्यादा को तार तार किया गया है, उसकी हर एक तस्वीर सामने आ रही है और दुनिया भी देख रही है। लोकतंत्र पर जब भीड़ तंत्र और विरोध तंत्र हावी होता है तो यही तस्वीरें सामने आती हैं। जब विद्रोह होता है तो देश के गर्त में जाने की शुरुआत हो जाती है। बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। बांग्लादेश की सियासी उठापटक के बीच शेख हसीना बांग्लादेश से जा चुकी है लेकिन बवाल, हंगामा, हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। उपद्रवियों की भीड़ न सिर्फ सड़कों पर है बल्कि अब खबर है कि ये आग बांग्लादेश की जेल तक पहुंच गई है। उपद्रवियों ने जेलों में तोड़फोड़ के साथ आगजनी की है। शेरपुर जेल से 500 कैदी फरार हो गए। इन कैदियों में 20 खूंखार आतंकी भी बताए जा रहे हैं। फरार हुए आतंकी जमातुल मुजाहिदीन और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के बताए जा रहे हैं। दोनों ही संगठन बांग्लादेश में बैन है। 45 मिनट के अंदर शेख हसीना ने देश छोड़ दिया और कुछ ही मिनटों के अंदर उपद्रवियों ने पूरा प्रधानमंत्री आवास सफाचट कर दिया। इन्हें देखकर श्रीलंका और अफगानिस्तान की वो तस्वीरें भी ताजा हो गई जब लोकतंत्र पर हमला किया गया था। प्रधानमंत्री आवास के अंदर उपद्रवियों ने जमकर लूटपाट मचाई, जिसके हाथ जो लगा लूट कर ले गया। कोई हाथों में, कोई बैग में भरकर, मतलब सामान की लूट मची है। लूट सके तो लूट लो। हजारों की संख्या में पीएम आवास में घुसे विद्रोहियों ने उस बेडरूम पर कब्जा किया जहां पर कभी शेख हसीना रहती थी। बेडरूम के बेड्स पर लेटकर फोटो सेशन होने लगा।